ओके सो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑन द वड इसके अंदर आई टेल यू अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द वूड हीलिंग तो सबसे पहले देर इज इंफ्लेमेटरी फेज देन देर इज पॉलीफरेटिव फेज देन देर इज रीमॉडलिंग फेज एंड देन द फोर्थ एंड द लास्ट फेज इज द स्कार फॉर्मेशन तो देर आर फोर फेजिज इंफ्लेमेटरी पॉलिफरेटिव देन री मॉडलिंग देन फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन ठीक है तो so, सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी फेज में क्या होता है सबसे पहले इंजरी हुई किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी ठीक है उसमें क्या होगा मीडिएटर्स रिलीज होंगे मीडिएटर्स में कौन कौन से मीडिएटर्स आएंगे हिस्टामींस एंड इन एंड प्रोस्टाग्लैंड ठीक है अब जो हिस्टेमिन होती है वो किससे सीरेट होती है इट इज सिक्रेटेड बाय द मा सेल्स द प्लेटलेट्स एंड द ग्रेनुलोसाइड्स ठीक है ये हिस्टमिन का क्या काम है कि कैपिलरी पॉबिलिटी बढ़ा देता है फिर जो काइनस और प्रोटाग्लैंड हुए हैं दे आ कीमोटैक्टिक नेचर ठीक है तो दे आर कीमोटैक्टिक टू डब्ल्यू बी सी एंड फाइब्रोब्लास्ट ओके एंड काइन एंड प्रोटाग्लैंड बाय द पीएम पी एम एन क्या हमारा पॉलीमॉर्फोट न्यूक्लियोसाइड्स ये जो ये क्या करता है ये स्कैवेंजर रिमूव करता है ये डेड एंड नेक्रोटिक टिश्यू को तो इस फेज़ के अंदर हमारे मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और सेकेंड चीज़ जो हमारे पी एम एन जो रिलीज़ हुए हैं वो एज अ डेड और नेक्रोटिक टिशू को रिमूव uh, करने में हेल्प करते हैं तो हमारा सेकेंड फेज इज पॉलिफोरेटिव फेज़ इस फेज़ के अंदर ये थर्ड टू फिफ्थ डे पे चलता है इस फेज के अंदर क्या क्या होता है इस फेज के अंदर जो हमारे पीएम इन्स वो कम हो जाते हैं और हमारे मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं ठीक है मोनोसाइट्स स्पेशलाइज्ड स्कैवेंजर्स होते हैं ऑफ़ द डेड एंड एक््रोटिक टिश्यू पी एम एन होंगे मोनोसाइट बढ़ जाएंगे और फाइब्रोब्लास्ट भी बढ़ जाएंगे जो फाइब्रोब्लास्ट जो बढ़े वो प्रोटोकोलोजिन सिक्रीट करेंगे जो कि बाद में कोलोजिन में कन्वर्ट होगा थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्जाइम इट इज नोन एज प्रोटोक्लोजन हाइड्रोलेजिस ठीक है फिर अब इसके बाद क्या होता है जो फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्टर इट इज ऑल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो मीकोपोलीसेकराइड का बना हुआ होता है मीकोपालसैक्राइड जो होता है वो प्रोट्यूबलाइकिन होता है ठीक है अभी जो प्रोटूबलाइन का जो ग्राउंड सब्सटेंस बना है दिस इज मेड अप ऑफ फाइबर दिस इज मेड अप ऑफ जेल एंड दिस इज मेड अप ऑफ अपुइड टिश्यू इन तीन चीजों से मिलकर ग्राउंड सब्सटेंस बनता है ठीक है फिर क्या हुआ कि हमारा ये जो कोलेजन बना था प्रोटोकोलोजिन से ठीक प्रो, प्रोटो है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकोलोजन हाइड्रोक्सिलस ओ टू एफी एन एस्कॉर्बिक एसिड ये क्या कराता है ये फाइब्रोप्लेजिया कराता है जो कि ग्रैनुलेशन टिश्यू बनाता है तो हमारा ग्राउंड सब्सटेंस अलॉन्ग विद हमारा ग्रैनुलेशन टिश्यू तो दैट इज जी एंड जी मिलकर एपिथिलाइजेशन कराते हैं ठीक है एपिथिलाइजेशन में, तो mm, uh, uh, में, so, mm -hmm. में क्या होता है सेल का माइग्रेशन और सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है ठीक है तो दैट इज जी जी एंड एम एम माइग्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद मल्टीफली में क्या क्या वर्क करता है हमारा ग्राउंड सब्सटेंस एंड ग्रैनुलेशन टिश्यू ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीफरेटिव फेज अब हमारा नेक्स्ट फेज है वो है रीमॉडलिंग फेज रीमॉडलिंग फेज में क्या होता है आफ्टर डे फोर हमारे फाइब्रो है वो स्पेशलाइज तरीके के फाइब्रोब्लास्ट mm -hmm. बन जाते हैं डाटा कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर ठीक है तो दे आर माओ फाइब्रोब्लास्ट ठीक है ये माओ फाइब्रोब्लास्ट जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कराते हैं जो कि अच्छे से ग्रेनुलेन टिशू को फॉर्म कर देता है ठीक है तो दैट वॉज रीमॉडलिंग फेज जिसके अंदर माओ फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ठीक है फिर क्या होता है दैट लास्ट फेज इज फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन स्कार फॉर्मेशन में क्या होगा एपिथिलाइजेशन कंटिन्यू रहेगा फाइब्रोप्लेजिया जो है वो अपना बढ़ जाएगा ठीक है फिर अपना वैस्कुलैरिटी जो है वो हमारी कम हो जाएगी और लिम्फेटिक्स जो है वो बढ़ जाएंगे और री ऑफ द कोलोजन जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन होगा एपिथिलाइजेशन फाइब्रोप्लेजिया वैसकुलैरिटी डिक्रीज ठीक है लिम्फेटिक्स एंड कोलोजन इंक्रीज ठीक है तो अभी लास्ट चीज है कि अब इसमें कॉम्प्लीकेशनस क्या कहेंगे कॉम्प्लिकेशन hmm. हो सकती है इफेक्शन किलॉइड पिगमेंटेशन अग्लीस्कार एंड इंसिजनल हर्निया एंड मंजोनीज अल्सर ओके सो दिस वज ऑल अबाउट द कम्पोनेट्स ऑफ द वर्ल्ड हीलिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब